आजमगढ़ विद्युत उपकेंद्र बदरका का भवन अतिचिरच जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कर्मचारी, उपभोक्ताओं की भी जान खतरे में। आजमगढ़ आंख में आंसू, दिल में पीड़ा लेकर आज भी ये जर्जर भवन है खड़ा, जबकि तपती धूप, तेज बारिश, हर मौसम से है ये लड़ा। जी हाँ, इसे विडम्बना कहे या कहे यहाँ के सिस्टम का दोष। विद्युत विभाग का जो बदरका उपकेंद्र कभी यहाँ का शान हुआ करता था, परंतु अब ये भवन खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों की माने तो हर साल भवन मरम्मत करने की गुहार ऊपर तक लगाई जाती है, परंतु कोई उच्च अधिकारी इस दिशा में पहल नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ से पत्राचार करते करते वे थक चुके हैं। स्थिति यह है कि आज इस अति जर्जर हो चुके भवन में जाने से लोगों को भय लगता है। इस जर्जर भवन में कब बड़ी दुर्घटना घट जाए कहना मुश्किल है। छत से बड़ा बड़ा चट्टा गिरकर कब किसकी मौत का कारण बनेगा या किसके सर पर आ गिरेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। केंद्र के कैशियर ने बताया कि भवन की जर्जरता के बारे में लिखित और मौखिक शिकायत कई बार की जा चुकी है, कभी सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ छत टपकने से बारिश में पानी भर जाता है, कंप्यूटर प्रिंटर खराब हो जाते हैं, रिकॉर्ड गल जाया करते हैं। कोर उस पर से खाज वाली बात यह भी है कि उपकेंद्र के कैश बिलिंग काउंटर की ठीक ट्रांसफार्मर के बगल में है, जिससे उपभोक्ताओं की भी जान खतरे में बनी रहती है। बाइट नीरज त्रिपाठी, कैशियर। बाइट शुभम। बाइट शिवम शर्मा। क्या नाम है? नीरज कुमार त्रिपाठी। हम यहाँ कैशियर के पद पर कार्यरत हैं। हम यहाँ बिल भुगतान संबंधी कार्य को संपादित करते हैं। अच्छा, ये भवन काफी जर्जर हो गया है, क्या दिक्कतों का सामना करने पड़ता है? भवन जर्जर होने के कारण बरसात में सारा पानी जो है कमरे में भर जाता है, जो सरकारी सिस्टम लगे हुए हैं ये खराब हो जाते हैं, फिर बार बार बनवाना पड़ता है और यहाँ काम करने में दिक्कत होती है। यहाँ देखिए, छत टूट के ऊपर से गिरा था, बच गए हम लोग। यहाँ जो स्टाफ बैठता है या कंज्यूमर आते हैं उनके लिए जान माल का खतरा रहता है। कभी भी बिल्डिंग एकदम जर्जर अवस्था में है, गिर सकती है। उच्च अधिकारियों को कई बार भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और बिजली उपभोक्ता जब वो खिड़की पे आते हैं तो बगल में ट्रांसफार्मर है, जगह ना होने के कारण ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर बिल जमा करते हैं, इसलिए दिक्कतें हैं। अगर बिल्डिंग सही से बन जाती तो। क्या नाम है आपका? नाम शिवम शर्मा है। शिवम, यहाँ क्या करने आप आए थे? मैं यूनियन बैंक के पट्टी की स्टाफ हूँ, यहाँ पे बिल जमा करने आया हूँ। जो हाँ बताएं, जो कि यहाँ पे सब देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के बगल में खिड़की लगी हुई है, बहुत समस्याएं हैं और इसके डर के मारे जान की खतरा है। इसके लिए हम लोग इधर से जमा करना चाहते हैं, यहाँ के कर्मचारी मना करते हैं, बाहर से आप लोग जमा करिए और प्रशासन का कोई काम ढीला है यहाँ पे। क्या लगता है कि कभी खतरा सर यहाँ ट्रांसफार्मर में आग लग जाए, कभी चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सब जान जा सकती है, हमारी ही नहीं और भी ग्राहकों की जान जा सकती है, इसमें सभी का खतरा है। नाम बताओ। सर मेरा नाम शुभम है, मैं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हाँ। और मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे बिल जमा करने के, देख रहा हूँ ट्रांसफार्मर के बगल में ये बिल जमा हो रहा है, जो कि हर एक के लिए खतरा हो सकता है, यहाँ के नागरिकों के लिए। तो मैं यही गवर्नमेंट से इशू चाहता हूँ कि इस जगह से इसको आगे किया जाए या फिर कुछ इसका जो किया जाए, जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, बारिश हो रही है या पानी उनी बरसेगा जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, करंट वरेंट का इशू हो सकता है। ये बिल्डिंग भी बहुत जर्जर दिख रही है। हाँ, बिल्डिंग जर्जर है, बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको मरम्मत का जरूरत है, इसको गवर्नमेंट को इस पर ध्यान थोड़ा देना चाहिए, लाइट विभाग को इस पर।